खेल आप आपके साथ मैं हूं रश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर सबसे पहले रायपुर से। रायपुर में जहां राज्य की दो विधानसभा सीटों दंतेवाड़ा और चित्रकूट में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने विधानसभा सीटों के लिए अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिहाज से जिम्मेदारियां भी बांट दी हैं और दंतेवाड़ा सीट के लिए भाटापारा विधायक शिवव्रत शर्मा को प्रभारी और पूर्व मंत्री महेश गागरा को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं चित्रकूट की बात की जाए तो विधानसभा सीट के लिए जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल को प्रभारी और पूर्व मंत्री केदार कश्यप को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बीजेपी ने दोनों ही सीटों के लिए अनुभवी और मौजूदा विधायकों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है और जिन पूर्व मंत्रियों को सह प्रभारी बनाया गया है उन्हें स्थानीय संगठन में प्रभावी पैठ की वजह से जिम्मेदारियां दी गई हैं। बता दें कि शनिवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में उपचुनावों को लेकर व्यापक से चर्चा की गई थी। कल अपने आने वाले जो उपचुनाव होने वाले हैं बस्तर में चित्रकूट और दंतेवाड़ा, उसके लिए हमने प्रभारियों की नियुक्ति की है। तो प्रभारी के रूप में चित्रकूट में हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता जो और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में विधायक श्री नारायण चंदेल जी को उसका प्रभारी हमने नियुक्त किया है और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कमल भान सिंह इसके साथ प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये सब आगामी चुनाव की दृष्टि से अभी इनका वहाँ पर दौरा प्रवास वगैरह और बैठकें आने वाले समय में ये सब करने वाले।